आज के वीडियो में हमें कमाल के टॉपिक पे बात करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस पूरे वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। देखो, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे बहुत सारे लोग जॉब करना चाहते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे किन लोगों को जॉब करना चाहिए और किन लोगों को नहीं करना चाहिए। इस पूरी वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूँ कि प्रोजेक्ट हीरो लाया है कॉन्ट्रैक्टर वेरिफिकेशन। आपको मैं बता दूं, प्रोजेक्ट हीरो इंडिया का लार्जेस्ट एंड मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है जो हायर करता है कंस्ट्रक्शन वर्कर को। अगर आप एक कॉन्ट्रैक्टर है और आपको काम कराने के लिए वर्कर नहीं मिल रहे हैं, तो आपको मैं बता दूं कि आप अभी जाकर के प्रोजेक्ट हीरो का कॉन्ट्रैक्टर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, और वहाँ से आप वर्कर को हायर कर सकते हैं। और अगर आप कॉन्ट्रैक्टर का मेम्बरशिप लेते हैं, तो वहाँ पर जो आपकी प्रोफाइल होगी वो सबसे आगे जाएगी, मतलब सबसे ऊपर जाएगी, आप अगर आप मेंबरशिप लेते हैं तो। आइए, चलिए हम आपको बताते हैं कि इस मेंबरशिप का, कॉन्ट्रैक्टर मेंबरशिप का बेनिफिट क्या है, फायदे क्या है एक्चुअल में उसके बारे में। अगर आप मेंबरशिप लेते हो, कॉन्ट्रैक्टर का मेंबरशिप लेते हो, तो वेरीफाइड वर्क ऑर्डर्स मिलेंगे आपको, उसका जॉब पोस्टिंग जो है वो अनलिमिटेड आप कर सकते हो, टॉप ट्रेंडिंग जॉब पोस्ट होगा, वर्कर अप्लीकेशन जो होगा वो अनलिमिटेड होगा, हायर्ड वेरीफाइड वर्कर्स जो होगा वो भी अनलिमिटेड होगा, वेरीफाइड प्रोफाइल स्टेटस भी आपको मिलेगा, जॉब पोस्ट परफॉर्मेंस भी आपको मिलेगा। तो आप देख सकते हो ना कि अगर आप एक कॉन्ट्रैक्टर हो और आपको ये मेंबरशिप लेते हो, तो ऑब्वियसली आपको बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आपको मैं बता दूँ, ये मेंबरशिप 3 मंथ की है और अभी जो इसकी प्राइस है वो 2,999 रुपये है, लेकिन अभी ऑफर में चल रहा 26 जनवरी तक। तो अगर ये मेंबरशिप लेते हो तो आपको पड़ेगी 1,499 रुपये में। और अगर आप मेरा कोड यूज करते हो, जो कोड डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, तो आपको ये मेंबरशिप 26 जनवरी तक 849 रुपये में पड़ जाएगी। तो सोचना किस बात का, आज ही जाइए, आप प्रोजेक्ट हीरो का कॉन्ट्रैक्टर एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और अपने वर्कर को हायर करिए। लिंक और कोड डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। बेसिकली मैं आप लोगों को बता दूं, सबसे पहले बता दूं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे क्या काम करना होता है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे सपोज कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, मैं बता दूं कोई बिल्डिंग का काम चल रहा है, उस बिल्डिंग में जो जिन लोगों की ज़रूरत है, चाहे वो साइट इंजीनियर की ज़रूरत हो, चाहे आईटीआई वालों की, चाहे वर्कर की, किसी की भी ज़रूरत हो, तो वो लोग क्या करते हैं, एक टाइम ड्यूरेशन होता है, वो परमानेंट जॉब नहीं होती है। जब तक वो प्रोजेक्ट चलेगा, मान लो प्रोजेक्ट 3 साल के लिए, तो 3 साल के लिए वहाँ पर आपकी जॉब है, ठीक है। वो कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, दोनों पार्टी साइन करती हैं, जो काम देता वो भी साइन करता है और जो काम करवाता वो भी साइन करता है, जो काम करने जाता वो भी साइन करता है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर अगर आप जॉब करना चाहते हो तो ठीक है, ऐसा नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब बुरी होती है। एक गवर्नमेंट सेक्टर में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होता है, एक प्राइवेट इंडस्ट्री में भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब होता है। आप लोगों को लग रहा होगा कि गवर्नमेंट जॉब में जो संविदा पे रखे जाते हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे बोला जाता है, संविदा पे रखे जाते हैं। बहुत टाइम हो जाता है कि जैसे NTPC हो गया, BHEL हो गया, या फिर मेडिकल फील्ड हो गया, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो लोग होते हैं उनको बाद में परमानेंट कर दिया जाता है, गवर्नमेंट की डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशन है, ठीक है। तो जिस वजह से उनको परमानेंट किया जाता है, आई डोंट कि क्या टर्म और कंडीशन होती है उनको परमानेंट किया जाता है, लेकिन हाँ, एक टाइम ड्यूरेशन होता है और लोग चाहते भी हैं कि अगर लंबा टाइम हम गवर्नमेंट सेक्टर में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो परमानेंट कर दें। और गवर्नमेंट के लिए भी इजी रहता है कि नई वैकेंसी निकालने से अच्छा कि इन्हीं को परमानेंट कर दो, चीज़ें आसान होती हैं, ठीक है। दूसरा है कि प्राइवेट इंडस्ट्री में कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, कोई प्रोजेक्ट मान लीजिए रियल एस्टेट का ही प्रोजेक्ट कोई चल रहा है, कोई टावर बन रहा है, कोई शॉपिंग मॉल बन रहा है, तो वहाँ पे जितने इंजीनियर होंगे, चाहे वो बीटेक वाला हो, चाहे वो पॉलिटेक्निक वाला हो, चाहे वो आईटीआई वाला हो, अगर वो प्रोजेक्ट 5 साल का है तो आपकी जॉब 5 साल के लिए फिक्स है। बीच के प्रोजेक्ट के बीच में निकालना उनके लिए भी बहुत रिस्की होता और आप भी एग्जिट नहीं कर सकते हो, इतना ईजिली आप वहाँ से एग्जिट नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा आपको पापड़ बेलना पड़ जाएगा वहाँ से एग्जिट होने के लिए, क्योंकि वहां पे टर्म्स एंड कंडीशन साइन होती है कि जब तक ये प्रोजेक्ट चलेगा आप कहीं और काम करने नहीं जाएंगे। और प्रोजेक्ट में अच्छा खासा पैसा भी देते हैं, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं देते हैं, प्रोजेक्ट में अच्छा खासा रेवेन्यू भी होता है, आपके लिए अपॉर्चुनिटी भी होती है अच्छी खासी। तो अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब करना चाहते हैं, आईटीआई हो, पॉलिटेक्निक हो, बीटेक हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, एमकॉम हो, बीबीए हो, बीसीए हो, तो बहुत सारी कंपनियां प्रोजेक्ट बेसिस पे रखते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अगर आप काम करना चाहते हैं तो गो अहेड, आप
जाओ आगे और करो। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है और उस अपॉर्चुनिटी का आप फायदा उठाओ। ऐसा नहीं कि अपॉर्चुनिटी आपके लिए नहीं, यू हैव अ मल्टीपल अपॉर्चुनिटी और आप उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकते हो। अगर आप सही तरीके से करोगे, एक लेवल पे लेकर के जाओ और सही डायरेक्शन में करोगे तो शायद आपके लिए चीज़ें अच्छी होंगी और चीज़ें सही तरीके से काम करेंगी। और अगर आप उसका सही से फायदा नहीं उठाते हो तो चीज़ें आपके लिए मुश्किल हो जाएंगी, चीज़ें फिर आपको समझ में नहीं आएंगी किस तरह से लाइफ में चल रही हैं और किस तरह से करना चाहिए। तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का जॉब बुरा नहीं होता, मैं बुरा नहीं मानता हूं। घर बैठने से अच्छा है कि आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब करो, कुछ तो एक्सपीरियंस मिलेगा, कुछ तो सीखोगे, कुछ चीजें तो आपको समझ में आएंगी। बाहर आपको दिखाने के लिए भी हो जाएगा कि हमने इस प्रोजेक्ट के लिए काम किया है। इलेक्ट्रिकल, सिविल और मैकेनिकल, ये तीनों ब्रांच में सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब मिलती हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी बहुत सारे प्लांट्स चलते हैं, प्लांट्स का टाइम ड्यूरेशन होता है, और उसी तरह सिविल इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट चलते हैं, मैकेनिकल के भी है, प्लांट बेसिस जॉब जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही चलते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो लोग जॉब करना चाहते करिए, वो जॉब इतनी बुरी नहीं है कि आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब नहीं कर सकते हैं। और अगर कोई कन्फ्यूजन हो करियर में, कोई प्रॉब्लम हो करियर आगे नहीं बढ़ रहा, तो करियर एडवाइजेशन पे जाके डायरेक्टली करियर कंसल्टिंग सर्विसेज ले सकते हैं। सिर्फ करियर कंसल्टिंग सर्विसेज आपको मिलेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन दिया गया, और जो लोग टेलीग्राम पे वो भी जाकर के करियर डा को ज्वाइन जरूर करें। थैंक यू।